आज सुबह तहब इलाका जो कि पुलवामा के अंदर आता है उसमें दो एचएम के हार्डकोर टेररिस्ट को हमने न्यूट्रलाइज किया है और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये दोनों टेररिस्ट इस इलाके में तकरीबन पिछले 4-5 दिन से इनकी खबरें हमारे पास पहुंच रही थी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ये धमकाने का उनको परेशान करने की यहाँ पर इनपुट हमारे पास थे। इन इनपुट के मद्देनज़र आज सुबह एक सर्च ऑपरेशन इस इलाके में जारी किया गया था। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान एक घर के पास जब सर्च पार्टी पहुंची तो उस घर के अंदर से फायर सर्च पार्टी के ऊपर किया गया। सर्च पार्टी ने तुरंत पोजीशन लेते हुए फायर का जवाब दिया और दोनों इन टेररिस्ट को सरेंडर करने का ऑफर दिया गया। टेररिस्ट ने सरेंडर करने का ऑफर ना मानते हुए भारी मात्रा में जो हमारी पार्टी थी उसके ऊपर फायर करना स्टार्ट किया। इस पार्टी ने फायर का जवाब दिया और इस फायर फाइट के दौरान दोनों टेररिस्ट भारी मात्रा में फायर करते हुए घर से बाहर भागने की कोशिश किया। इसी फायर फाइट के दौरान दोनों एचएम के हार्डकोर टेररिस्ट थे ये दोनों मारे गए। इनके पास एक इंसास राइफल हमें मिला है और एक एसएलआर जो राइफल मिला है कुछ अमनिशन के साथ।